हेलो फ्रेंड, इन वीडियोस में हम लोग रियल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। देन पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर में हम लोग पहले नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक को जानेंगे। नेचुरल नंबर आप लोग को पता ही होगा। काउंटिंग नंबर जिसे हम लोग काउंट करते हैं, वो नंबर्स सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। वन से स्टार्ट होके आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी में फिर होल नंबर आता है। नेचुरल नंबर में इंक्लूडिंग विद जीरो, नेचुरल नंबर इस होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता था। इसमें ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो ये होल नंबर है, ठीक है। ज़ीरो इज़ नॉट ए होल नंबर। ज़ीरो से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद इंटीजर्स, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं और इसमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूड रहता है। यहाँ पर से भी इससे इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, और ज़ीरो लगा के इस तरफ भी प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर को इंटीजर में आता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू का फॉर्म में कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू जो बोथ इंटीजर्स हैं, इंटीजर हम लोग देख चुके हैं इंटीजर किसको बोलते हैं, बोथ इंटीजर में आता हो और क्यू जो नीचे वाला है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, सॉरी। अच्छा, रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग हो सकता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है। रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इवन नंबर, ओड नंबर, बहुत सिंपल है। ऐसे इंटीजर जो दो से डिवाइड जाता हो परफेक्टली, या मल्टीपल ऑफ टू हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और जो इवन नंबर नहीं है वो ओड नंबर है, ठीक है। जो दो का मल्टीपल ना हो या दो से डिवाइड ना जाता हो, ठीक है, सिंपल है। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हम लोग जब चैप्टर पढ़ते थे उसमें भी इसका डिस्कशन किए थे डिटेल से। इसमें भी देखिए, प्राइम नंबर जो है जो वन और इटसेल्फ खुद से डिवाइड जाता हो, वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। वन प्राइम नंबर नहीं होता है, वन प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है वन सबसे डिवाइड जाता है, ठीक है। टू से स्टार्ट होता है, टू है, थ्री है, फोर क्यों नहीं है। फोर वन से भी डिवाइड जाता है, फोर से भी जाता है, मतलब दोनों से जाता है, लेकिन टू से भी जाता है तो अदर देन वन एंड इटसेल्फ से जाता है। तो फोर इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो अगर ये फोर प्राइम नंबर नहीं है तो फोर कौन सा नंबर है? हाँ, फोर जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, हम लोग को पता चला जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो कुछ कंपोजिट नंबर का एग्जांपल आप लोगों को कमेंट में लिखना है, ठीक है, जो वन से, इटसेल्फ से और किसी अदर नंबर से डिवाइड जाता है, ठीक है। हम लोग रेशनल नंबर को देख चुके थे, पी बाई क्यू का फॉर्म हो, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, ठीक है। और क्या बोले थे, टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो। तो इरेशनल नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहता है। एग्जांपल में हम लोग रूट टू, रूट थ्री, पाई, जैसे रूट टू को हम लोग लिखते थे 1.414 एंड समथिंग सो ऑन जाते रहता था, जो रुकता नहीं था और रिपीट भी एक नंबर नहीं होता था, ठीक है, रिपीट नहीं होता था, ठीक है, अदर नंबर रहता था, ठीक है, जैसे
ठीक है, जैसे रूट थ्री 1.73 एंड सो ऑन ऐसे जाता था, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जो रुकता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में आप लोग को एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा, उसमें आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा। टर्मिनेटिंग, ये एक टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, 7/8, जैसे हम लोग 7/8 डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 होता है, बहुत सिंपल है, ऐड से जाएगा 64, और फिर यहाँ पे 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 से जाएगा 56, 4 बचेगा, फिर 4 5 जा क्या बोलते हैं 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ 0 हमको मिल गया, जब 0 मिल गया तो रिमाइंडर 0 मिल गया, ठीक है ना, यानी कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, आफ्टर फाइनाइट नंबर में, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर तक नहीं किया, ठीक है ना, यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग बोलते थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो ना रुके, 1/3 को डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है, ये रुकेगा नहीं, 3 के बाद सिंपल चलते जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है सिंपल, यानी इसका 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, रिमाइंडर। देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जैसे कि हम लोग 1/3 को ही देखे थे, तो 0.333 एंड सो ऑन जा रहा था, इसको हम लोग 0.3 का ऊपर ये जो बार ब्रेकेट लगा के रिप्रेजेंट करता है कि ये 3 जो है रिपीट हो रहा था, क्लियर है इतना। और एक बार बताते हैं, जैसे कि 1/7 है, 1/7 में हम लोग क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कि 0.142857, ठीक है, यहाँ तक, और फिर 1.142857 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.142857 जो रिपीट हो रहा है, इतना जो है डिजिट ये सब रिपीट हो रहा है, तो इसका ऊपर बार लगा के बता सकते हैं हाँ ये आगे चल के रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो है ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, ठीक है। और ये जो सारा नंबर है, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारा नंबर रेशनल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज़, ये एक एग्जांपल है, इसको देख के बता सकते हैं आप लोग 0.32 सो ऑन लंबा जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पक्का, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो जैसा देख के ही हम लोग को एग्जांपल देख ही के पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है, एकदम क्लियर है, आसान है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये एक एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, आइए समझते हैं एक ब्रीफ ओवरव्यू इसका देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, रियल नंबर में, रियल नंबर का अंदर आता है ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों। अगर रेशनल नंबर में r 0 हो जाए, या r मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये तो टर्मिनेटिंग यानी रुक गया, ठीक है ना, और नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, ठीक है ना, जो रिपीट नहीं कर रहा डिजिट, ठीक है। और अगर 0 ना आए, r रिमाइंडर 0 ना आए, चलता जाए, तो भी ये रेशनल नंबर में ही आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट भी कर रहा है डिजिट और रुक भी नहीं रहा, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में। फिर यहाँ पे एक कंडीशन है इरेशनल नंबर का कि r 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा, लंबा चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और हमको हर बार अलग अलग डिजिट मिल रहा है, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। यहाँ पे एक एग्जांपल है इसका, ठीक है, 18/5 3.6 आया है, रुक गया है सिंपली। यहाँ पे एक एग्जांपल है 1/3 का, इसको किए तो 0.333 सो ऑन रिपीट कर रहा 333 एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, जो रुक नहीं रहा। और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, 0.671234 सो ऑन, और ये 1.34 इतना इतना करके, आप लोग समझ गए होंगे। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको मैथ इजी करने में काफ़ी
हेल्प करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। ओके थैंक्स फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो इसी तरह आपको मिलती रहे। थैंक्स।